कहता हूँ सभी दर्शकों को, इस कैमरा 24 के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। और सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि इस समय भोपाल में मैं दरबार के रूप के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने निज निवास पर भक्तों से मिल रहा हूँ, जो भक्त आए हैं। और इस बार अमावस्या पंडुकर धाम पर्व 13 मार्च से 23 मार्च तक पंडुकर धाम अमावस्या पर्व रहेगा, जिसमें संकट निवारण हनुमान केंद्र के माध्यम से पंचयोधाम के नाम से अभी एक दरबार प्रारंभ किया गया है, जिसमें 21 रुपये 11 रुपये अर्जी मात्र से ही उनका कल्याण होगा, उनका भला होगा। अगले माह में बता दिया जाएगा, मार्च में ही, इसी माह में ही बता दिया जाएगा किस मंगलवार से वो दरबार निःशुल्क होने वाला है। साथ ही वहाँ देव बलि देव पूजा भी कराई जाएगी, जिसके माध्यम से छोटा मोटा खर्च रहेगा 10-50-100 रुपए के अंतर्गत रहेगा, जिसमें कोई नारियल है या कोई विशेष सामग्री है वो अपने खुद ही कहीं भी बैठ के उस अनुष्ठान को कर सकते हैं। और देव बलि में मात्र 11 रुपए 21 रुपए रखी गई है, जिसमें जो पिशाच शक्तियों को निवारण करने के लिए उनको जो हमारे ऋषि मुनि हैं, महर्षि गण हुए हैं, जिन्होंने कलियुग को देखते हुए आगे की व्यवस्था को देखते हुए बलि को सहज बलि में कर दिया, और सहज उनको आहार प्राप्त हो जाता है और वो दुष्ट आत्माएं मान जाती हैं, ऐसा पंडुकर धाम में विधान किया गया है। ऐसे दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। अगले फरवरी माह में ही यज्ञशाला के ईशान कोण में, जहाँ पर श्री पंडुकर सरकार के तत्वधान में क्षेत्रपाल महाराज का आवाहन किया गया और इंद्रध्वज लगाया गया, और वहीं पर देवी शक्तियों का प्रादुर्भाव प्रकट हुआ है, जिसके माध्यम से संकट निवारण होता है। नवंबर दिसंबर माह में यदि कोरोना का इस समय बड़ा वो चल रहा है, लेकिन ठीक है, ये तो रोग दोग हैं, चलते रहते हैं। भगवान से प्रार्थना कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब लोग निरोग रहें, किसी प्रकार की महामारी ना फैले। यदि इसके कारण कोई रुकावट आती तो अलग बात है, लेकिन नवंबर दिसंबर में पंडोखर धाम में 51 कन्याओं का विवाह किया जाएगा, जिसमें एक जोड़े पर 2,51,000 रुपये खर्च करने का हमारे ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि इतना मेहनत करेंगे, सहयोग लोग दानदाताओं से अपील करेंगे, और गरीब बच्चे वो किसी भी संप्रदाय के हों और मतलब किसी भी जाति के हों, वहाँ पर हिंदुत्व को देखते हुए और राष्ट्र को देखते हुए, लोगों की जो स्थिति परिस्थिति है उसको देखते हुए उनका ट्रस्ट संकल्प लेकर के उनका विवाह करेगा, और साथ साथ कन्यादान भी लेगा। किसी को नीचे दिखाना नहीं है कि भाई हम पैसा लगा रहे हैं तो हम उनके माँ बाप को पीछे नीचे दिखा रहे हैं या उन बच्चों को दिखाई नीचे दिखा रहे हैं, ऐसा मेरा कोई प्रचार प्रसार नहीं है। हमारा प्रचार प्रसार ये है कि जिन बच्चों की शादियों में गति अवरोध है धन के कारण है, तो ऐसे हमारा ट्रस्ट कार्य करेगा, और ऐसा संकल्प लिया है, और नवम्बर दिसंबर में कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। यदि किसी कारण, मैंने इसलिए कारण शब्द का उपयोग किया क्योंकि इस समय कोरोना का वो है, क्या स्थिति परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि शासन की गाइडलाइन का देखना पड़ता है, और कई बार रोग नहीं होता है, कोई संकट नहीं होता है, उसके बाद भी शासन की गाइडलाइन क्या है, क्योंकि हम भारतीय संविधान के अंतर्गत रहते हैं और भारतीय संविधान को हम पालन में करते हैं, क्योंकि हम भारतीय संविधान के अधीन हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं और हम भारत के गुरु हैं, तो हमारे अपने देश की नीति को, देश की परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लेने होते हैं। तो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से और भक्तों के सहयोग से अपील करके हमारे जिजमान, हमारे शिष्यगण, पंडुकर सरकार ट्रस्ट 151 जोड़ों का कन्यादान लेकर के कन्या विदा किया जाएगा।